Myself, Dr. Daksh Mahajan. I am the consultant urologist and kidney transplant surgeon associated with Amandeep Group of Hospitals. आज मैं एक नया मिथ लेके आया हूँ प्रोस्टेट के रिगार्डिंग. उसको हम डिस्कस करेंगे. जो आज हम मिथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जब भी पेशेंट्स को, खासकर ओल्डर पेशेंट्स जो होते हैं 55, 60 ईयर्स के ऊपर, उनको प्रोस्टेट की जो बीमारी जब डिटेक्ट होती है तो वो एकदम से ये डर जाते हैं कि हमें प्रोस्टेट की सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये पक्का इलाज नहीं है. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गलत धारणा है. जब भी प्रोस्टेट किसी को डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले हमारा एक 3-step प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का. फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. अगर इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बावजूद पेशेंट्स को सिम्टम रहते हैं तो हम मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं. जिन पेशेंट्स को इन दोनों चीजों के बावजूद भी सिम्टम ज्यादा रहते हैं, उन्हीं पेशेंट्स में हम सिर्फ सर्जिकल ऑप्शंस, फिर एक्सरसाइज करते हैं, और जो ऑप्शन उनके लिए बेस्ट होती है वो हम एडवाइस करते हैं.